आइए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। और वो कॉमन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि सर, हम लोग GGT ऑर्डर लगा देते हैं। GGT ऑर्डर बाइंग का जब लगाते हैं तब तो ऑर्डर आसानी से एग्जीक्यूट हो जाता है, ट्रिगर भी होता है और एग्जीक्यूट भी हो जाता है। लेकिन जब GGT ऑर्डर हम सेल का लगाते हैं, मतलब कि हमारे होल्डिंग में अगर कोई माल पहले से पड़ा हुआ है और अगर हम उस पर सेल का ऑर्डर लगा देते हैं GGT में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई ऑर्डर है उसे सेल कर दिया, GGT लगा दिया, तो GGT के उस ऑर्डर पे जनरली क्या होता है कि ट्रिगर हो जाता है, जो प्राइस हमने डाला है उस प्राइस पे वो जाकर ट्रिगर हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और वहाँ पर हमारे पास एक मेल आ जाता है ज़ीरोधा की तरफ से, एरर मैसेज आ जाता है, जैसा कि आप ये मेल भी देख पा रहे होंगे। एरर मैसेज आ जाता है ये लिखकर कि GGT ट्रिगर्ड लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि CDSL का ऑथराइजेशन नहीं था। तो अब ये एक समस्या है बहुत सारे लोगों के साथ कि CDSL का जो ऑथराइजेशन है वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। अब ये CDSL का ऑथराइजेशन जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि कई सालों से एक टीपिन की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको कंपलसरी है अपने होल्डिंग को सेल करने के लिए। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं और आप ख़रीदारी और बिकवाली करते रहते हैं तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि आप जब भी कोई माल ख़रीदते हैं तो उसके लिए आपको कोई पिन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब आप अपनी होल्डिंग में से कोई भी माल बेचेंगे तो आपको वहाँ पर एक टी पिन एंटर करना पड़ता है, उसके बाद आपके पास एक OTP आता है और उस OTP के थ्रू उसे वेरीफाई करना पड़ता है, तब जाकर आपका माल वहाँ पर सेल होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे हम GGT ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा पाएंगे, क्योंकि ये टीपिन का अगर इशू है। फॉर एग्जांपल हम GGT लगाते इसीलिए हैं कि हमने एक GGT लगा दिया, हम दिन भर ऑफिस में बिजी हैं, अब अगर वो भाव आता है तो हमारा माल वहाँ पर बिक जाए। अब अगर हम उतना टाइम दे पाते तो हम GGT ऑर्डर लगाते ही नहीं, सिंपल सी बात है, हम GGT ऑर्डर लगाते ही नहीं, हम उसको कंटिन्यू वॉच करते। अगर हमारे पास टाइम होता तो हमने GGT लगाया ही इसीलिए, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उस ऑर्डर को बार बार देख पाएँ कि क्या भाव आया क्या भाव नहीं आया। तो इससे निपटने का इसका सॉल्यूशन दो तरीके से आप ले सकते हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली के डेली, मतलब डेली मॉर्निंग में आपको अपने अकाउंट पे लॉगिन करना है। लॉगिन करके आप अपने पोर्टफोलियो के सेक्शन में आएंगे और पोर्टफोलियो के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ऑथराइजेशन। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि इस ऑथराइजेशन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये CDSL ऑथराइजेशन का जो पेज है वो ओपन होकर आ जाएगा। और इस CDSL ऑथराइजेशन वाले पेज पर आपको यहाँ पर CDSL कंटिन्यू टू CDSL पे क्लिक करके इसको ऑथराइज़ कर देना है। ये आपको दिन में मॉर्निंग में एक बार ही करना पड़ेगा, 9 बजे के आसपास आप ये करके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। लेकिन अभी वो लोग जो ये कहते हैं कि भाई हम डेली के डेली भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत बार नेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये ऐसा होता है कि वो नेट वाले जोन में नहीं होते, इंटरनेट उनके जोन में नहीं होता बहुत बार। तो ऐसी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो फिर आपको इसके लिए एक दूसरा तरीका है जो आपको करना पड़ेगा, और वो तरीका ये है कि आपको अपना POA सबमिट करना पड़ेगा ज़ीरोधा के ऑफिस में। जी हाँ दोस्तों, पावर ऑफ अटर्नी जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब आप POA मतलब साइन कर देंगे, सॉरी POA POV कर दिया हमने, ये POA जब आप सबमिट कर देंगे पावर ऑफ अटर्नी, तो इसके बाद आपका क्या होगा कि आपको किसी भी तरीके का टीपिन वो मांगेगा ही नहीं, टीपिन आपसे मांगेगा ही नहीं। और जब वो टीपिन आपसे नहीं मांगेगा तो ये आपका GGT ऑर्डर आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रिगर भी होगा और एग्जीक्यूट भी होगा। तो ये बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आप ज़ीरोधा के मेल आईडी जो है customer@zerodha.com, आप उस पर जाइए customer@zerodha.com पे, सॉरी support@zerodha.com पे आप जाइए और वहाँ पर जाकर जो है आप एक मेल ड्रॉप कर दीजिए और आप उनसे मांग लीजिए कि मुझे पावर ऑफ अटर्नी का फॉर्म चाहिए। वो आपको भेज देंगे, आप वो फॉर्म लीजिए,
वो फॉर्म लेके उस पर अपना नाम और बाकी डिटेल्स वहाँ पर फिल करने के लिए होती हैं, वो सारी चीज़ें फिल कर दीजिए, सिग्नेचर कीजिए, और उसके बाद वो फॉर्म जो है आप उन्हें वापस से अगर वो कोरियर करने के लिए कहेंगे तो आप उनके एड्रेस पे कोरियर कर दीजिए, या नहीं तो अगर वो आपको उसका फ़ोटो लेके मेल पे मांगेंगे तो आप मेल भी दे दीजिए जनरली। और 90% केस में वो आपको क्या कराते हैं कि वो जो पावर ऑफ अटर्नी होता है उसे वो आपको अपने एड्रेस पर भिजवाते हैं, पोस्ट करवाते हैं, तो आपको वो कॉपी पोस्ट करनी पड़ेगी। ये एक बार का है, बस एक बार आपने पोस्ट कर दिया, वहाँ पर पहुँच गया, उसके बाद वो टीपिन वाला समस्या आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको कभी भी टीपिन वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये एक जो मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है वो यही है कि आप पावर ऑफ अटर्नी सबमिट कर दीजिए, जिससे कि आपको टीपिन की समस्या ही ना आए। हम अपने जो हमारा फुल टाइम ब्रोकर है उसके साथ हम पावर ऑफ अटर्नी सबमिट करके ही काम करते हैं, बाकी जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके साथ हम, कई ब्रोकर्स के साथ हम पावर ऑफ अटर्नी सबमिट नहीं करा हमने, लेकिन कई ब्रोकर्स के साथ हम लोग क्या करते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी सबमिट कर देते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप फॉरन से कोई ऑर्डर सेल, कोई माल सेल करने जा रहे हैं और आपने वहाँ पर CDSL का टीपिन नहीं डाला है, और जैसे ही आप वहाँ पर टीपिन डालने जा रहे हैं, जब तक आप टीपिन डालेंगे, कई बार क्या होता है कि जब बहुत तेज़ी से मार्केट में गिरावट आती है तो वो भाव बहुत स्पीड में नीचे आ जाता है और आप टीपिन डालने में ही बिजी हो जाते हो, और वो काफ़ी ज़्यादा फिर नीचे आ चुका होता है और काफ़ी बड़ा लॉस भी वहाँ पर कई बार लेना पड़ता है। इसीलिए ये प्रैक्टिस आप करके रखिए, पावर ऑफ अटर्नी सबमिट कर दीजिए, इससे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है टीपिन के आने वाले समय में। तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपको ये सजेशन कैसा लगा, और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आपको मिल गया है कि अगर GTT का ऑर्डर ट्रिगर हो जाए और एग्जीक्यूट ना हो तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और उसको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को आसानी से पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।